We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई, बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके, मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। भारतीय वहाँ पर जो नागरिक रह रहे हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो, इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। देश में जितने भी सिंपल हिंदू फैमिलीज है, लोगों को आप इंडिया में हम लोगों को आश्रय दीजिए। सरकार भाग गई, लेकिन उसके सब एमपी लोग, बहुत एमपी फिर नेता लोग भाग नहीं पाया, अभी तक वहां पे है, वही लोग दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ, हालात ऐसे कैसे बिगड़ गए, इनसाइड स्टोरी क्या है, इस वक्त इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश में भड़की हिंसा से जुड़े कई अपडेट्स अब तक सामने आ चुके हैं। खबरें हैं कि अगले 48 घंटे में शेख हसीना भारत छोड़ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में एक होटल में उपद्रवियों ने जिंदा जलाकर 24 लोगों की जान ले ली। उस बीच हिंसा और पलट के असली मास्टरमाइंड का नाम सामने आया है। रिपोर्ट्स की माने तो शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के पीछे बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का हाथ है। माना जा रहा है कि तारिक के साथ इस साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भी शामिल है। बांग्लादेश को जलाया, पूरे देश में आग लगाई, दंगे में पूरे देश को झोंक दिया, लोकतंत्र की हत्या की। चुनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह करवाया। यह है बांग्लादेश में तख्ता पलट का सूत्रधार, जिसने आईएसआई की मदद से हसीना के खिलाफ साजिश की। 6 साल से वो कर रहा था तख्ता पलट की तैयारी। नाम है तारिक रहमान। ये बांग्लादेश में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष है और पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का बेटा है। तख्ता पलट का शिकार हुई बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद की बात पर यकीन करे तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के तार एक ऐसे शख्स से जुड़ रहे हैं जिसका बांग्लादेश की राजनीति में वजूद भी है और रसूख भी। शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद के मुताबिक बांग्लादेश में जारी हिंसा और तख्ता पलट के पीछे कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं तारिक रहमान। कई बड़े मामलों में तारिक रहमान को अदालत से सजा सुनाई गई है। फिलहाल लंदन में रहते हैं तारिक रहमान।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद के मुताबिक बांग्लादेश में ऐसी तख्ता पलट की साजिश 6 साल पहले से रची जा रही थी। इंतजार सिर्फ एक ऐसी घटना का था जिसका सहारा लेकर इस साजिश को अंजाम दिया जा सके। शेख हसीना सरकार ने सरकारी नौकरियों में 1971 युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों का आरक्षण बढ़ाया तो साजिश रचने वालों को मौका मिल गया। सजीव वाजेद के मुताबिक खास प्लानिंग के तहत हिंसा की आग पूरे देश में भड़काई गई, जिसका अंजाम सरकार के तख्ता पलट के रूप में सामने आया। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो इस प्लानिंग में BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान के अलावा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी शामिल थी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ISI ने तारिक रहमान की तख्ता पलट में मदद की। सूत्रों के मुताबिक ISI ने अपने सीनियर ऑपरेशन कमांडर जावेद मेहंदी को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी थी। तारिक रहमान ने ISI के साथ मिलकर 6 साल पहले ही कर ली थी तख्ता पलट की साजिश। BNP और ISI की डील हुई थी। 2018 से हो रही थी तख्ता पलट की साजिश। तारिक रहमान से ISI की पहली मीटिंग लंदन में हुई। तख्ता पलट की साजिश के लिए दूसरी मीटिंग सऊदी अरब में हुई। तारिक रहमान की ISI से कई मुलाकातें यूरोप के कई मुल्कों में हुई। ISI ने ही तारिक रहमान की पार्टी से जमात इस्लामी का गठबंधन कराया। प्लानिंग के तहत जमात के स्टूडेंट विंग को ढाका यूनिवर्सिटी में फिर से मजबूत किया गया। यानी सोची समझी साजिश के तहत बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंका गया। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के जेल में होने के चलते उनके बेटे तारिक रहमान ने 2018 में BNP का सारा कामकाज अपने हाथ में ले लिया। अमेरिका में रहकर पार्टी का कामकाज देख रहे तारिक रहमान कई मामलों में सजा याफ्ता हैं। तारिक रहमान पर साल 2013 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे, जिसमें पहले तो ढाका कोर्ट ने उन्हें रिहा किया, लेकिन हाई कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई। 2018 में जब खालिदा जिया को ऑर्फनेज ट्रस्ट घोटाले में 5 साल की सजा सुनाई गई, तो उनके बेटे तारिक रहमान को भी 10 साल की सजा हुई। 2018 में ही 2004 की एक रैली में तत्कालीन विपक्षी नेता शेख हसीना पर ग्रेनेड हमले के आरोप में तारिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हत्या के 2 मामलों में और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत तारिक को 3 बार उम्र कैद और कई धाराओं में 20 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। 2021 में मानहानि के एक और मामले में तारिक को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में भी तारिक पर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में तारिक पर 10,000 टके का जुर्माना लगाया गया और पेमेंट डिफॉल्ट करने पर 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में शामिल होने के लिए तारिक रहमान जल्द ही वापस बांग्लादेश लौट सकते हैं। तारिक की मां और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया भी जेल से बाहर आ रही हैं। ऐसे में उनकी पार्टी BNP के अच्छे दिन लौट सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश में ISI की सक्रियता अगर बढ़ी तो इससे बांग्लादेश के लोगों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो देखा किस तरह से बांग्लादेश में उथल पुथल है इस वक्त और पूरी दुनिया की निगाह बांग्लादेश पर है। सोमवार को बांग्लादेश के पूर्व PM शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। PM आवास में उनके रसोइयों ने तरह तरह के व्यंजन बनाए थे, लेकिन आखिरी बार वो खाना तक नहीं खा पाई। उनके जाने के बाद उपद्रवी PM आवास में दाखिल हुए, जमकर दावत उड़ाई। देखिए ये रिपोर्ट। कोई बिरयानी खा रहा है, कोई चिकन की दावत उड़ा रहा है, तो कोई मिठाई से अपना मुंह मीठा कर रहा है। सोमवार के दिन ढाका में प्रधानमंत्री आवास की ये तस्वीरें दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। उपद्रवियों ने PM आवास में हल्ला बोल दिया और उसके अंदर बने चिकन पर भी चढ़ाई कर दी। PM हाउस के रसोइयों ने एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाए थे, जिसमें बिरयानी, चिकन समेत दूसरे कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गए थे। पूर्व PM शेख हसीना के लिए खाने का बढ़िया इंतजाम किया गया था।
इससे पहले कि वो खाने का लुत्फ उठा पाती, उपद्रवियों का हंगामा बढ़ता देख उन्हें अपने घर से भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो अपना आखिरी भोजन भी नहीं कर पाई। एक तरफ बांग्लादेश झुलस रहा है, आंदोलनकारी अपने ही देश की धज्जियां उड़ा रही है। पीएम हाउस की ये तस्वीरें बेहद ही चौंकाने वाली है। उपद्रवियों ने चिकन में बने खाने का भरपूर आनंद उठाया। चिकन टंगड़ी खाते हुए ये उपद्रवी सेल्फी खींचने लगे, वीडियो बनाने लगे। ऐसा लग रहा है मानो कोई जंग फतह कर ली हो। इतना ही नहीं, शेख हसीना के पलंग पर ये आंदोलनकारी आराम फरमाता दिख रहा है। ये तस्वीरें लोकतंत्र को चढ़ाने वाली है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी पीएम आवास में तोड़फोड़ मचा रहे हैं, कंप्यूटर के तार उखाड़े जा रहे हैं। आलिशान कमरों में पूरा सामान बिखरा पड़ा है। कुर्सी टेबल और दीवारों की पेंटिंग तोड़ दी गई है। जिसके हाथ जो आ रहा है वो अपने साथ लिए जा रहा है। शेख हसीना ने अपना घर क्या छोड़ा, इन आंदोलनकारियों की तो मौज आ गई। बेखौफ आंदोलनकारी पीएम हाउस में हुड़दंग करते हुए दिखे। मौके पर सुरक्षा कर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी में उनको रोकने का साहस नहीं हुआ। वो अपनी मनमानी करते रहे। इसे देखकर तो ऐसा ही लगा कि सेना ने प्रदर्शनकारियों को खुली छूट दे दी है और उसके लिए प्रधानमंत्री आवास के दरवाजे खोल दिए गए हैं। जो किसी समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली जगह हुआ करती थी, वहाँ प्रदर्शनकारी ने कोहराम मचा दिया। उपद्रवियों ने सारी हदें पार कर दी। प्रदर्शनकारी कीमती सामान अपने साथ उठाकर ले गए। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि शेख हसीना की साड़ियां तक नहीं छोड़ी। लोकतंत्र को डिरेल करने वाले उपद्रवियों ने पीएम आवास को कब्जे में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने धावा बोलते हुए इमारत में तोड़फोड़ की, चिकन मछली और सब्जियां लूटी। घर की कुर्सी और सोफे भी अपने साथ ले गए। सोमवार को उपद्रवियों की मंशा को भांपते हुए शेख हसीना ने देश छोड़ दिया। पीएम आवास को छोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी वहां दाखिल हो गए और जमकर उत्पात मचाया। हुड़दंग की कई वीडियो सामने आ रही है। बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीब की मूर्ति भी तोड़ी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।